हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे बर्फी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और बाजारों में मिठाइयाँ बिकनी शुरू हो गई है, पर जो वो मिठाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल मिलावटी होती हैं। खोया जो बनाया जाता है वो मिलावट वाला होता है, ये आप सभी को पता है। तो हम बनाएंगे घर पे बिल्कुल शुद्ध बर्फी, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। और ये बर्फी बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो जाती है, इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पर करीब 125 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर लिया है। थोड़े से बादाम और पिस्ता जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून देसी घी और करीब 5-6 चम्मच दूध लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे, उस पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई रखेंगे, इसमें घी डालेंगे। दूध ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। एक साथ सारा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इसे साथ साथ में मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो लम्प्स पड़ जाएंगे। फिर से ऐड करेंगे। और फिर से मिक्स कर देंगे। ये मैंने सारा ऐड कर दिया। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए, अगर लम्प्स पड़ जाते हैं तो आप इन्हें दबा दबा कर ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आपके मिक्सचर में लम्प्स पड़ जाते हैं तो आप यहाँ पर हैंड विस्क का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मैंने इसे हाई फ्लेम पे गाढ़ा किया है और आपको इसे तेजी से चलाना है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा आप इसे और तेजी से चलाएं, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो इसमें बहुत जल्दी लम्प्स पड़ जाएंगे और ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, हमारा मिक्सचर काफी गाढ़ा हो गया है, पर अभी हमें इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक कि ये बिल्कुल डो की तरह इकट्ठा ना हो जाए और कढ़ाई को छोड़ना ना शुरू कर दे। हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सचर को बेकिंग टिन में निकाला है। मैंने बेकिंग टिन को पहले ही ग्रीस कर लिया था और इसे अब हम फैला देंगे किसी प्लेन चीज से। मैं यहाँ चम्मच का यूज कर रही हूँ, आप चाकू का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से बिल्कुल प्लेन करना है। ये देखिए, जितना आप कर सकते हैं इसे प्लेन कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे 5 मिनट के लिए, सेट होने के लिए। ये देखिए, मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था और 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल जम गई है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत जल्दी बन जाती है। अब इसे हम बर्फी की शेप में कट कर लेंगे। जैसा भी आप शेप देना चाहते हैं उस शेप में आप इसे कट कर लें। ये देखिए, मैंने इसे बर्फी की शेप का कट कर लिया है और आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी जमी है। ये देखिए, बहुत अच्छी बर्फी जमी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल बाजार जैसी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।